इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आज से सतत विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कृषि अभियंताओं का योगदान विषय पर कृषि अभियंताओं का 36वां राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सह संगोष्ठी का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता कृषि और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने की। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए श्री नेताम ने कहा कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में विकास इंजीनियर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। आज नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उसमें हमारे इन इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और कृषि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत कुछ बनाया है और उसके माध्यम से आज कृषि का क्षेत्र हमारा लगातार बढ़ भी रहा है, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और वाटर मैनेजमेंट का भी काम बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे विद्वत्जनों का बड़े उस क्षेत्र में जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन सह संगोष्ठी में वर्तमान समय में कृषि के विकास के लिए बहुप्रासंगिक विषयों जैसे इंजीनियरिंग इनपुट का संरक्षण और प्रबंधन, फार्म मशीनरी, कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, मिट्टी, जल संरक्षण और प्रबंधन आदि पर विस्तृत चर्चा हो रही है और शोध पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं।